हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रिप्टो क्रिप्टोन सीरीज है क्रिप्टो न्यूज के बारे में इसमें हम देखेंगे लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम सी डॉट कॉम सो द न्यूज टाइटल इज माइकल लुइस फेसेस बैक्लेश फॉर एस डिफेंस पार्कस हीटेड डिबेट इन द क्रिप्टो कम्युनिटी सो ये न्यूज टाइटल है दैट इज कमिंग फ्रॉम सी इसका न्यूज पब्लिश हुआ था ऑन थर्ड ऑफ अक्टूबर बाय टेटुआ सो इसका हम सबसे पहले हाईलाइट देख लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इज एफ डिफेंस बाय अमेरिकन नॉवलिस्ट माइकल लुइस ड्रॉ क्रिटिसिजम फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी ओके तो सबसे पहले माइकल माइकल कौन है? So, author. Author है financial, financial है सो सो इज इज एन अमेरिकन वो भी भी फाइनेंशियल जर्नलिस्ट एंड ही राइटिंग इनटू दिस दिस फील्ड सिंस 2009 द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ माइकल लुइस तो उन्होंने एक किताब लिखी थी एफ और एक्स के ऊपर और एस बी एफ के ऊपर लिखने के बाद उनके ऊपर काफी सारा क्रिटिसिजम ड्रॉ हुआ था क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी सेकंड पॉइंट ये है कि लुइस असर्टेड दैट इवन इफ नो बड़ी क्वेश्चन एफटी एक्स ऑपरेशन द कंपनी वुड बी स्टिल लुक्रेटिव तो उनका यह मानना है कि अगर बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता एफटी एक्स एक्सचेंज के ऊपर तो कंपनी अभी भी ऑपरेशनल होती लुक्रेटिव होती एंड अभी भी मार्केट में खड़ी होती लेकिन वो क्वेश्चन करने से एफ्टे एक्स का ज्यादा डाउनफॉल आया काफी सारे केसेस हुए काफी सारा फाइलिंग्स हुए काफी सारा लॉसज उठाना पड़ा बिकॉज क्रिप्टो कम्युनिटी में काफी सारा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हुआ था एफटी एक्स के अगेंस्ट में तीसरा पॉइंट ये कि क्रिप्टो करेंसी अटर्निटी जॉन डेटिन लेबल लुइस एज अ क्लाउन फॉर ब्लेमिंग बाइनांस सीईओ सीजे फॉर एफ टी डिमेंस तो एफ uh, टी का खत्मा हुआ था एफ के खिलाफ काफी सारे केसेस हुए थे तो जॉन डेटिन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका लिंकडिन का प्रोफाइल भी अवेलेबल है ही इज द ओनर ऑफ डेटिन लॉ फॉर्म उनके इतने सारे कनेक्शन है फॉलोअर्स है उनकी इतनी एक्टिविटीज़ है एक्सपीरियंस सबका सबको चेकआउट कर सकते हैं ऑफ़ जॉन डेटिन ऑन लिंकडिन तो इनका प्रोफाइल अवेलेबल है यहाँ पे लिंकडिन के ऊपर तो उनका ये मानना है कि जो माइकल लुइस यहाँ पे क्रिटिसिज्म दे रहे थे एफ को और उन्होंने ये भी बोला है कि सी के, के वजह से ही एफ टी एक्स का खात्मा हुआ है तो ऐसा गलत है उनको जॉन डेटन ने इस चीज़ को खारिज किया कि लूइस ऐसा अपने किताब में नहीं लिख सकते कि बाइनेंस सीजी के, के वजह से ही एफ टी एक्स का खात्मा हुआ है